हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दाई पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 09 का लेसन 16 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर में हम बात करेंगे संवैधानिक विकास के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। ऐसा नहीं था कि भारत की जो आज़ादी है एक दिन एक रात में मिल गई। इसके लिए हमें एक लंबा संघर्ष का इतिहास देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे लोगों ने अपना जान का बलिदान दिया, जिसके बाद भारत देश की आज़ादी हुई। बहुत सारे अलग अलग मोर्चे पे अलग अलग क्रांतिकारी मूवमेंट चले, आंदोलन चले, जिसके बाद जाकर 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद होता है। अब देखो, यहाँ पे जो दो मोर्चे खुलकर आते हैं भारत के अंदर, एक जो था लीगल मोर्चा और एक इलीगल मोर्चा। लीगल और इलीगल मैंने अपनी तरफ से नाम दिया है, क्या है दोनों उसको समझते हैं। जो भी आंदोलन चल रहे थे, जहाँ पे अंग्रेजों को टारगेट करना, बम ब्लास्ट करना, मारना पीटना, जो गर्म दल का काम था, नरम दल भी था जो अलग अलग तरह से आंदोलन करता था, शांति प्रिय आंदोलन करता था, कहीं ना कहीं ये संवैधानिक तौर पर अंग्रेजों के नजरों में कानूनी तौर पर ये इलीगल था। ठीक है, इसको सही तरीका नहीं माना जा रहा था। अंग्रेज कभी नहीं चाहेंगे ये चीज़ें हों। आज के समय में जो आज का हमारा भारत है 2023 के अंदर में, भारत के अंदर में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां चलती हैं जो भारत को तोड़ने का काम करती, भारत को जो भारत सरकार है उसको अलग होने का काम करती है। ठीक है, हमारे नज़रों में, भारत सरकार की नज़रों में वो गतिविधियाँ जो है सारी गैर कानूनी हैं। सेम चीज़ें अंग्रेजों के सामने में भी ये चीज़ें थी। तो उस समय पे एक ऑप्शन हमारे पास बनकर आता है, संवैधानिक तौर पे अंग्रेजों को दबाने का, संवैधानिक तौर पे अंग्रेजों पे दबाव बनाने का, जिससे हमारा भारत देश आज़ाद हो सके। अब ये तरीका बना कैसे, किस तरह से विकसित हुआ, तो जो स्वराज पार्टी का निर्माण हुआ, स्वराज पार्टी के निर्माण के साथ में ही एक प्रपोजल रखा गया कि हमें संवैधानिक तौर पे इलेक्शन लड़ना चाहिए। इलेक्शन लड़ने के बाद जो भी हमें सीटें मिलेंगी, उसके बाद हम कानून बनाने में भागीदारी हमारी हो पाएगी। क्योंकि जो अंग्रेजी सरकार है वो कहीं ना कहीं कानून बना रही है। किसके लिए कानून बना रही है? हमारे लिए बना रही है। किसके देश में बना रही है? वो हमारे देश में बना रही है। वो कानून किसके ऊपर में लागू होगा? हमारे ऊपर में लागू होगा। तो उस कानून को बनाने में कहीं ना कहीं हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए। ये स्वराज पार्टी का प्रपोजल था, जिसको कांग्रेस पार्टी ने नकार दिया था, जिसको इनकार कर दिया था। गांधी जी ने भी मना कर दिया। पीछे के चैप्टर में मैंने इसको डिटेल में बता रखा है। पीछे की जो वीडियोस अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लें, क्योंकि जो आपका एमए हिस्ट्री का जो सिलेबस है ना, इसमें सारा चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक है। और जब आप MHI 9 की बात करते हो तो स्पेशली इसके अंदर में इंटरलिंक है। तो पीछे के चैप्टर अगर आप नहीं देखते हो, एक भी चैप्टर छोड़ते हो, तो आपको आगे का समझ नहीं आएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर में आपको MHI 9 के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो, जिससे आपको पीछे का चैप्टर भी समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी के अंदर में। अब क्या हुआ, जो स्वराज पार्टी थी, स्वराज पार्टी के थ्रू क्या क्या आ गया कि भैया आपको हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए, जिसके बाद हमें एक राइट मिल जाएगा जिससे हम कानून बना सकें। उनके लोगों के बीच में बैठकर अपने कानून के लिए हम खुद वोट कर पाएंगे कि किस तरह से क्या कानून होना चाहिए, क्या प्रावधान होना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस कर पाएंगे। इस तरह का चीज़ें की गई, जिसको गांधी जी ने भी निकारा। और जो ये तरीका था ना, संवैधानिक तरीका माना गया कि एक संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से हम इसको विकास कर सकते हैं, अलग अलग तरह के रूल रेगुलेशन कानून बना सकते हैं और अंग्रेजों के बीच रहकर अपने लिए हम लड़ सकते हैं, ये माना गया। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम उसी चैप्टर को विकास आगे पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे संवैधानिक विकास के बारे में कि किस तरीके से संवैधानिक विकास हुआ। इस पूरे चैप्टर को हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। जो हमारा पहला पार्ट रहने वाला है वो साइमन कमीशन का रहने वाला है कि साइमन कमीशन था क्या, क्यों गठन किया गया, ठीक है, इसका गठन का इम्पैक्ट क्या पड़ा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बनकर आता है कि साइमन कमीशन का जो राष्ट्रवादी विचारक थे या राष्ट्रवादी जो लोग थे जिनकी विचारधारा राष्ट्रवाद की थी, उनके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ा, उनकी क्या मतलब, उनके ऊपर में किस तरह से इम्पैक्ट देखा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा पहला पार्ट रहने वाला। इस वीडियो का जो हमारा दूसरा पार्ट रहेगा, जिसके अंदर में हम नेहरू के रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि नेहरू जी का रिपोर्ट किस प्रकार का था। यहाँ पे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम उनके जो पिताजी थे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी, उनके बारे में बात कर रहे हैं। उनके द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट था क्या, ये हम अपने सेकेंड पार्ट के अंदर में डिटेल से कवर करने वाले हैं। जो हमारा थर्ड पार्ट रहेगा, थर्ड पार्ट के अंदर में हम 1935 के कानून के बारे में बात करेंगे। तो 1935 के अंदर में भारत के अंदर में कौन सा कानून आया था और उसके प्रावधान क्या थे, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो रखे हैं पीछे के चैप्टर्स में। अगर आपने नहीं देखा ना तो देखें जाकर, जिससे आपको समझ में आएगा। और आपको जाकर ढूंढने की भी जरूरत नहीं कि कहाँ पे देखना है, आपको सबसे ईजी ऑप्शन क्या रहेगा कि द इनअप पे जाइए। द इनअप के ऊपर में आपको लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन ऊपर की वीडियो मिल जाएगी, जो मैंने 2022 में करवाया था, 1 साल पहले, ठीक है। और वो वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि आज भी उस वीडियो की वैल्यू उतनी ही है, क्योंकि क्वेश्चन पुराने नहीं हुए, सिलेबस आपका बदला नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि जो 2022 में आपका देश 1945 में आज़ाद हुआ था 47 में, और अभी 2023 में पढ़ रहे तो 48 में हो गया, 49 में हो गया, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री वही है, तो आप उस वीडियो को देखें
लास्ट फाइबर की वीडियोस की क्वेश्चन पेपर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप एक वीडियो को देखते हो ना, पूरी वीडियो देखते हो, उसको अच्छे से एक्सरसाइज करते हो, जो मैंने उसमें बता रखे हैं चीज़ आपको करने के लिए, अगर आप उसको सही से प्रैक्टिस करते हो, तो एक वीडियो से ही आपका 95% सिलेबस ना ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, विदाउट एनी बुक, विदाउट एनी थिंग। ठीक है, एक दिन के अंदर में आप 95% सिलेबस कवर कर सकते हो। 1.5-2 घंटे की वीडियो है, तो जरूर देखें। और वीडियो को देखने से पहले ना, जो नीचे कमेंट्स है ना, उसको जरूर पढ़ें। उस वीडियो को देख कैसे सकते हो, तो प्लेलिस्ट के अंदर में लिंक मिल जाएगा मेरे चैनल 9 का, वहां से जाके देख सकते हो। बारी बाकी जो चैप्टर्स है ना आपके, या बाकी जो सिलेबस है उसकी भी आपको लास्ट 5 ईयर की वीडियोस मिल जाएगी, उसको भी डिस्क्रिप्शन के अंदर में प्लेलिस्ट के लिंक से जाके देख सकते हो। और उन वीडियोस को देखने के लिए आपको द इनअप का मेंबरशिप लेना पड़ेगा, मेंबरशिप को ज्वाइन करना। चलिए हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। बहुत हमने यहाँ पे टाइम इंट्रोडक्शन में वेस्ट किया, वापस से स्टार्ट करते हो, डिटेल में समझते हैं साइमन कमीशन के गठन को। हम बात करते हैं कि साइमन कमीशन का गठन किसके द्वारा किया गया। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया। कब किया गया? तो नवंबर 1927 को इसका गठन किया गया। इसके जो हेड थे सर जॉन साइमन माना जाते हैं, और इन्हीं के अध्यक्षता के अंदर में 7 सदस्यों का एक कमीशन नियुक्त किया गया, कमेटी नियुक्त किया गया, जिनको जो मतलब एक अधिकार दिया गया कि आप इसके ऊपर में कार्य करोगे और ये सारी चीजें आगे विकसित होने वाले, एक तरह से संवैधानिक आयोग इनको बनाया गया। ये एक संवैधानिक आयोग है। इनका जो नाम था ना, इस कमेटी का जो नाम था कि साइमन कमीशन, ये सर जॉन साइमन के नाम पर ही इनका नाम पड़ा कि साइमन कमीशन। इनका उद्देश्य क्या था कि भारत के अंदर में जो भी संवैधानिक सुधार है ना, उसके बारे में विचार करना कि भारत के अंदर में कौन कौन से कानूनी सुधार किए जा सकते हैं, किस तरह की चीजें हैं, उसके बारे में यहाँ पे विचार करना, इसका ये मेन मोटिव रखा गया इस कमीशन के अंदर में। ये मेनली तो कमीशन बनाया गया भारतीयों के लिए, जिसमें वो भारतीयों के कल्याण की बात करेंगे, जो भी भारत के लोग हैं उसके कल्याण की बात करेंगे। पर इसके अंदर में कोई भी भारतीय सदस्य को जगह नहीं दी गई, किसी भी भारतीय सदस्य को नहीं ऐड किया गया, रखा गया। इसके कारण से भारतीयों के अंदर में कहीं ना कहीं इसका नाराजगी थी, और जिसकी नाराजगी को इन्होंने दिखाया भी और एक स्वर में इसको प्रदर्शित किया, विरोध किया। जब साइमन कमीशन, जो भी साइमन कमीशन के 7 सदस्य लोग थे सर जॉन साइमन के साथ साथ में, वो भारत के अंदर में आए, तो इसका विरोध किया गया, अलग अलग जगह पर हड़ताल किया गया, और साइमन कमीशन गो बैक जैसे नारे भी लगाए गए। तो आगे हम इसको पढ़ने वाले हैं। 1927 के अंदर में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता के अंदर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है मद्रास के अंदर में, जिस अधिवेशन के अंदर में ये तय किया जाता है कि हमें प्रत्येक कदम पर जो प्रत्यक्ष रूप से बहिष्कार करना है, किसका? साइमन कमीशन का बहिष्कार करना है। कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन किया जाता है 1927 में, जिसके उस समय अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर अंसारी, जो तय करते हैं कि भैया जो भी साइमन कमीशन की गतिविधि होगी ना, जो भी मूवमेंट होगा कि इस तरह से यहाँ जाना है वहाँ जाना है, अलग अलग स्टेट्स में जाकर जो बातचीत करेंगे उसका हम अलग अलग तरीके से बहिष्कार करेंगे, इसका तय किया जाता है। और साइमन कमीशन जैसे ही भारत में आता है, पूरे भारत के अंदर में हड़ताल किए जाते हैं, अलग अलग जगह झंडे दिखाए जाते हैं, काले झंडे दिखाए जाते हैं, जिससे साइमन कमीशन का विरोध हो सके, यहाँ पे उसका बहिष्कार हो सके, ये तय किया जाता है। जो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के साथ साथ में मुस्लिम लीग जो थी, ठीक है, जो मुसलमानों के लिए अलग से पार्टी बनाई गई थी, मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में, और जो अन्य राष्ट्रीय दल थे, बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे दल भी बन चुके थे, तो अन्य राष्ट्रीय दल के द्वारा में भी इस कमीशन की नियुक्ति की कटु आलोचना की गई कि जो कमेटी बनाई गई है साइमन कमीशन, वो कहीं ना कहीं गलत है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था बहिष्कार करने का, कि मान लो आप हमारे लिए कानून बना रहे हो, हमारा जो कानून बनाओगे हमारे ऊपर में ही लागू होगा, कहीं ना कहीं उसका डायरेक्टली इनडायरेक्ट हमारे ऊपर में पड़ेगा, तो उसके अंदर में एक ना एक सदस्य हमारे लोगों को भी रखना चाहिए था, जो हमारे बारे में बेटर जानते हैं। आप विदेश से 4 लोगों को पकड़ के ले आओ और उसको मेरे बारे में पूछोगे तो क्या जानेगा, ठीक है? उन बंदों को पूछो ना जो द इनअप को सब्सक्राइब कर रखे हैं, ठीक है? किसी और, मतलब जो बंदा पढ़ रहा है द इनअप के ऊपर, वो हमारे हमें जानता है ना कि हम किस तरीके से पढ़ाते क्या नहीं पढ़ाते, ठीक है, क्या आपके लिए करते क्या नहीं करते। आपने पढ़ाई नहीं, कभी देखा ही नहीं वीडियो, तो क्या जानोगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा एग्जांपल गलत है, बट यहाँ पे ये चीजें समझने की कोशिश करो, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या था कि मेनली जो साइमन कमीशन का गठन किया गया, जो संवैधानिक अधिकार दिया जाता है कि भारत के अंदर में किस तरीके की क्या चीजें चल रही हैं, उसको लेकर क्या सुधार कर सकते हैं, लोगों के लिए क्या अच्छा कल्याण कर सकते हैं, किस तरीके के कार्य करेंगे, किस तरह का रूल रेगुलेशन बनाएंगे जिससे लोगों की भलाई हो सकती है, इसके लेकर गठन किया गया कमेटी। और इसके अंदर में कोई भी भारतीयों को जगह नहीं देगी, जिसके कारण से सारा विरोध देखने के लिए मिलता है। मुस्लिम लीग और अन्य राष्ट्रीय दलों ने भी इसका विरोध किया और इसकी आलोचना करी। भारतीय जो राष्ट्रवादी थे ना, वो प्रबल रूप से विरोध कर रहे थे, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे। यहाँ पे भारत के अंदर में जो विचारधारा बहुत ज्यादा मैटर करती है, आज भी देखोगे करंट टाइम में भी, तो विचारधारा बहुत मैटर करती है, अलग अलग विचारधारा के गुट में बटे हुए लोग दिखते हैं। तो उस टाइम पे भी एक दल था जिसको हम राष्ट्रवादी दल करते हो, सबसे प्रमुख दलों में से एक था, जिसके कारण से हमारा भारत देश आजाद हुआ, आप मानो चाहे ना मानो, ये प्रमुख बात रहती है।
ठीक है। और किसी भी देश की आजादी के अंदर में ना एक जो राष्ट्रवाद की विचारधारा होती है ना सबसे इंपॉर्टेंट होती है उस देश की आजादी के लिए। तो यहाँ पे जो भारतीय राष्ट्रवाद था ना, राष्ट्रवादियों का जो बल दो ग्रुप था वो प्रबल रूप से विरोध कर रहा था। ब्रिटिश सरकार ने इसकी कोई परवाह नहीं करी कि यार ये विरोध कर रहे हैं, अलग अलग झंडे दिखा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से हमें रोक रहे हैं, तो इसका उन्होंने इसकी कोई परवाह नहीं करी। फिर भी इन्होंने अपने कमीशन को आगे बढ़ाया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंचा। बॉम्बे के दिन में क्या, उस जिस दिन बॉम्बे पहुंचा उस दिन पूरे बॉम्बे के अंदर में, पूरे संपूर्ण देश के अंदर में हड़ताल की गई। कमीशन के विरोध में सभाएं की गई, अलग अलग जगह पे सभाएं आयोजित की गई जहाँ पे कमीशन के खिलाफ, जो कमीशन था ना, जो ये पूरा साइमन कमीशन, उसके खिलाफ यहाँ पे भाषण दिए गए, लोगों को बताया गया, जागरूक किया गया कि कमीशन का क्या काम कर रही है, ठीक है। क्योंकि देखो नॉर्मली आज के समय में तो फेसबुक है, व्हाट्सअप है, टैग चला दो हैशटैग साइमन कमीशन गो बैक, ठीक है, तो वो समझ जाएगा, लोगों तक पहुंच जाता है। आज के समय में व्हाट्सअप इतनी तेज चलता है और ट्विटर इतनी तेज चलता है कि आपने हैशटैग डाला और पहुंच गया, पर पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। न्यूज़ पहुंचते पहुंचते लोगों तक बहुत टाइम हो जाता था, बहुत बीत जाता था, समय बीत जाता था। तो एक उसको करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग तरह की सभाएं की गई जिसमें लोगों को जागरूक किया गया कि एक साइमन कमीशन आ रहा है, साइमन कमीशन के अंदर में ये चीजें हैं, इस तरह की प्रावधान है, ऐसा चीजें हैं, ये चीजें हैं, वो चीजें हैं, इस तरीके से लोगों को बताने के लिए सभाएं की जाने लगी, ठीक है, हड़ताल किया जाने लगा। भारत में जहां भी साइमन कमीशन गया वहां पे उसके विरुद्ध में काले झंडे और प्रदर्शन किए गए, उसके खिलाफ में वहां पे प्रदर्शन, आक्रोश, रैलियां, ये सब निकाली जाने लगी। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारा लगाया गया। सेंट्रल असेंबली के साथ साथ में संयुक्त कमेटी बनाने का प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। साइमन कमीशन ने क्या किया कि जो भी यहाँ पे कमेटी थी कि सेंट्रल असेंबली के साथ साथ में एक संयुक्त कमेटी बनाया जाए, इसका प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया गया, ठीक है। साइमन कमीशन ने क्या किया, देश की जो विविधता थी, जो डाइवर्सिटी था, जिसके लिए भारत जाना जाता है आज भी विश्व के अंदर में, भारत अपनी डाइवर्सिटी के लिए, विविधता के लिए ही जाना जाता है, तो विविधता से निपटने के लिए साइमन कमीशन ने क्या किया, भारत सरकार को एक संघीय रूप से विकास करने की बात करी कि एक संघीय गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, संघीय रूप से इसका विकास हो, इसका स्वरूप हो, जो भारत का जो केंद्रीय सरकार हो ना, गवर्नमेंट हो, एक ऐसा गवर्नमेंट होना चाहिए जो संघीय गवर्नमेंट होना चाहिए, ये प्रपोजल यहाँ पे दिया गया, ठीक है। संघीय गवर्नमेंट मतलब क्या, कि ऐसा नहीं हो कि एक तरफ, जैसे मान लो सिर्फ ऐसा गवर्नमेंट बना दे जो सिर्फ गुजरात के लिए कार्य करे, ऐसा गवर्नमेंट बना दे जो सिर्फ बिहार के लिए कार्य करे, ऐसा गवर्नमेंट बनाया जाए, जैसे बिहार सरकार है तो सिर्फ बिहार में ही कार्य कर रही है ना, स्टेट गवर्नमेंट हुआ, तो यहाँ पे संघीय गवर्नमेंट मतलब क्या कि सारे गवर्नमेंट एक दूसरे से अटैच हो, पूरी तरह से जुड़े हुए हों, सारे तार एक दूसरे से जुड़े हुए हों और सबकी डिपेंडेंसी एक दूसरे पर हो, और ऐसा ना हो कि एक तरफा कार्य करे, मतलब सभी को लेकर चले, सबको संघ के तौर पे, संघीय गवर्नमेंट के तौर पे विकास हो, इसके बारे में यहाँ पे प्रपोजल रखा गया, वन ऑफ द बेस्ट अभी भी मान के चलता हूँ, ठीक है, भले ही इसका उस समय विरोध किया गया होगा पर अभी इस समय इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है ये मैं मानता हूँ। तो संघीय स्वरूप हो इसके बारे में बात किया गया, इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा था। यहाँ पे बात किया गया, जो लोग थे ना जो इसके विरोध में थे, यहाँ पे एक लोगों का ये मानना था कि डोमिनियल स्टेट की वो मांग कर रहे थे। डोमिनियल स्टेट होता क्या है, ठीक है, यहाँ पे डोमिनियल स्टेट का जो इसके निरीक्षण थे ना बहुत स्पष्ट नहीं थे। यहाँ पे जो साइमन कमीशन था उन्होंने एक प्रपोजल रखा डोमिनियल स्टेट का, जिसका निरीक्षण किस प्रकार से किया जाना है, कैसे किया जाना, उसको कुछ स्पष्ट उन्होंने किया नहीं। अब ये डोमिनियल स्टेट होता क्या है, तो इसके अंतर्गत क्या था कि किसी भी राज्य के आंतरिक मामले, जो भी किसी भी स्टेट का, जैसे यूपी हो गया, मद्रास हो गया, कलकत्ता हो गया, इसके जो भी आंतरिक मामले होंगे ना, जैसे विधायक शक्तियां, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सैन्य और विदेश नीति, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगी, ठीक है। और डोमिनियल स्टेट को हिंदी में हम औपनिवेशिक स्वराज भी कहते हैं। जो उपनिवेशिक स्वराज होता है ना, कि मतलब गुलामी के दौरान में भी अपनी राज, ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप समझो कैनेडा को देखते हो, कनाडा आज भी गुलाम है ब्रिटिश सरकार का, ऐसा नहीं कि ब्रिटिश सरकार से आजाद हो गया, आज भी गुलाम है, पर वहां पे क्या है, उनको एक डोमिनियल स्टेट का वहां पे वैल्यू दी है। कैसे, उसके अंतर्गत वो अपनी खुद की विधायिका बना सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कार्यपालिका बना सकते हैं, न्यायपालिका बना सकते हैं, सैन्य गठन कर सकते हैं, विदेश नीति चला सकते हैं, पर जो इनके राष्ट्र के जो प्रमुख होंगे ना कहीं वो ब्रिटिश सरकार होगी, ये माना गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनके साथ में भी सेम चीजें की गई और आज भी ये ब्रिटिश सरकार के गुलाम है। तो भारत के कुछ लोग थे ना वो इसके पक्ष में भी थे कि हमें भी इस तरह का प्रावधान दे दो जिससे हम भी इस तरह से ग्रो कर सके। और देखो कनाडा भी गुलाम था, ऑस्ट्रेलिया भी गुलाम था, न्यूजीलैंड भी गुलाम था, बाकी जो छोटे मोटे और भी बहुत सारे देश जो अभी भी गुलाम है, भारत भी गुलाम था, पर भारत की स्थिति देखो, अफ्रीका की देशों की स्थिति देखो और उनकी स्थिति देखो, दोनों को कंपेयर करोगे ना तो जमीन आसमान का आपको अंतर देखने के लिए मिलता है।
इसका कहीं ना कहीं रीजन क्या था कि जो वहां पे डोमिनियन स्टेट लागू किया गया और जो भारत में चीजों को रखा गया, भारत के लोगों को एक तरह से गुलाम के तौर पे रखा गया। वहां पे चीजें अलग थी, यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा अलग डिफरेंस यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है। तो डोमिनियन स्टेट की भी मांग की गई। साइमन कमीशन के द्वारा जो डोमिनियन स्टेट का प्रपोजल रखा गया उसके अंदर में जो निरीक्षण किया गया ना, वो कुछ स्पष्ट नहीं थे कि किस तरह से क्या चीजें चलने वाली है। यहाँ पे भारत के कुछ लोग भी इसका सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने इसको खुलकर रखने की बात करी, पर यहाँ पे चीजें सही से नहीं आई। कांग्रेस के नेतृत्व में जो अनेक पार्टियां थी उनका उन्होंने इसका विरोध किया कि ये चीजें हमें नहीं चाहिए। साइमन कमीशन ने भारतीय राजनीति के अंदर में बहुत अधिक प्रभावित किया। जो भी उस समय की जो मूवमेंट चल रहे थे ना, जो एक टाइम पीरियड था 1928, 1927, 1929 का, पूरा ये टाइम पीरियड कहीं ना कहीं साइमन कमीशन के कारण से इम्पैक्टफुल हुआ और भारत के लोगों के अंदर में जन जागृति आई कि किस तरीके से हम लड़ सकते हैं अंग्रेजों से, क्या चीजें चल सकता है, उसके बारे में भी यहाँ पे बात किया गया। इस कमीशन का जो विरोध है ना, देश के विभिन्न समूहों के द्वारा दलों को एकजुट किया गया। मतलब जो अलग अलग दल थे ना, जो अलग अलग पार्ट में बटे हुए थे, जैसे मुस्लिम लीग है, कुछ भी चीज होता तो मुस्लिम लीग कहता है यार मेरा मतलब नहीं है, बाकी जो दल है वो मेरा मतलब नहीं है। पर यहाँ पे क्या हुआ, एकजुटता दिखी। जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी उसके अंदर में एकजुटता हमें देखने के लिए मिल जाती है। इस रिपोर्ट के कारण से भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक राजनीतिक क्रांति आरंभ हो गई कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। यहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टी एक हो रही थी। और पता है क्या, देखो आज भारत के अंदर में हम बटे हुए हैं हिंदू में, मुस्लिम में, ये हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, वो ये है, ये है, इस तरीके से बटे हुए हैं। ये कुछ नहीं है भैया, ये अगर पॉलिटिकल पार्टी एक हो जाए ना तो सब एक हो जाएंगे। कई बार मैं देखता हूँ आसपास में, यहाँ पे थोड़ा सा मैं टॉपिक से हटकर मैं बात करूँ तो कई बार मैं नोट डाउन करता हूँ, इलेक्शन के टाइम में लोग बढ़ जाते हैं आपस में कि वो बीजेपी का सपोर्टर है, ये कांग्रेस का सपोर्टर है, आपस में लड़ जाते हैं। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है ना कि बातचीत बंद हो जाती है, खून खराबा तक बात बढ़ जाती है। पर ये मैटर नहीं करता, पता है यहाँ पे मैटर क्या करता है, वो पॉलिटिकल पार्टी ने उन लोगों को बांट रखा है। ठीक है, आदमी वो भी है, इंसान वो भी है, सब कुछ है, हिंदू मुस्लिम वो लड़ ही नहीं रहा, वो पॉलिटिकल पार्टी ने उसके अंदर में वो चीजें डाल रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें दिखी गई कि अगर पॉलिटिकल पार्टी एक हो जाएगा ना तो सब लोग एक होकर लड़ेंगे, सब लोग एक होकर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें रहती है। यहाँ पे देखोगे आज के समय में जैसे ये क्रिकेट होता है, तो जब भारत लड़ रहा है ना, यहाँ पे बात की जा रही है कि भारत है भारत है, तो वहां पे अगर कोई दूसरे देश का प्लेयर है ना, हम उसको उतना ज्यादा लाइक नहीं करते, हम सोचते हैं हमारा देश जीते। और वहीं पे जब आईपीएल होता है ना, जब सारे टीम एक साथ लड़ रहे होते हैं, ठीक है, अलग अलग टीम के प्लेयर को मिला रहे, तो हम उस प्लेयर को भी सपोर्ट कर रहे हैं, उस प्लेयर को भी सपोर्ट कर रहे हैं कि जो टीम हमें सपोर्ट करे ना वो टीम जीते, हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, चाहे वो प्लेयर पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, नेपाल को, हम उससे लेना देना नहीं रहता। तो ये चीजें यहाँ पे देखी गई। और जितना भी ना ये देखोगे, मतलब ये थोड़ा सा मैं और आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो जो भी ये चीजें हैं, जैसे अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करो, आज के समय में भारत के अंदर में इंडिया नाम का एक अलायंस बना, इंडिया अलायंस जिसे हम बोलते हैं। इनका साथ क्या है कि जितने भी करप्शन वाले लोग थे ना, कहा तो यही जाता है न्यूज के अंदर में, जितने भी करप्शन वाले लोग थे, और रियलिटी भी यही है, चाहे लालू यादव की पार्टी ले लो, चाहे केजरीवाल जी का जो वो वक्तव्य था कि भैया सारे करप्शन वाले हैं, शीला दीक्षित ये सारे चोर हैं, ये सब चोर हैं, सब कुछ जो भी था, सीपीआई बाकी सारे जितने भी चोर हैं, सब एक साथ खड़े, एक मंच पे खड़े हैं। रीजन क्या है कि इन्होंने लोगों को खुद बांट रखा है। ठीक है, जो आम आदमी पार्टी के लोग थे पहले, जब केजरीवाल बोल रहा था चोरे चोरे, तो जितने भी इनके कार्यकर्ता थे सब बोलते थे कि यार कांग्रेस वाले चोरे, कांग्रेस वाले चोरे, कांग्रेस वाले चोर हैं। आज केजरीवाल जी जाके मिल गए, तब उन आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो बेचारा मजबूर है, वो भी बोल रहा होगा कांग्रेस वाले ठीक है, क्योंकि उसका जो बॉस है ना, जो उनका आका है, वो जाके मिल चुका है। सेम चीज बीजेपी में होता है। ठीक है, मान लो जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, थोड़ा सा और जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ दिल्ली के अंदर में, लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुआ है यहाँ पर, तो लास्ट टाइम इलेक्शन हुआ तो यहाँ पे ना, मतलब जो जेडीयू का जो प्रत्याशी था, बीजेपी ने उसको सीट दिया, बीजेपी के यहाँ पे कैंडिडेट को सीट नहीं मिला। तो बीजेपी के सीट नहीं मिला तो यहाँ पे जो बीजेपी वाले थे ना, वो भी उसको सपोर्ट करने लगे, यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, जेडीयू तो बहुत अच्छी पार्टी है, ये तो बिहार से बिलोंग करती है, ये है वो है, तारीफों के पुल बांधने लगे। ठीक है, ये चीजें आज वो अलग है तो हम उससे लड़ रहे हैं, उस समय हम दोस्त बन चुके थे, अब यहाँ पे दुश्मन है भैया, वो तो अलग है, बीजेपी से अलग हो गया तो अलग है। तो ये चीजें थी वहां पे इस टाइम पे, सेम चीजें मैं अगर एनालाइज करता हूँ तो ये चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, समझ में आता है। आगे हम थोड़ा सा बढ़े और यहाँ पे खत्म करते हैं वीडियो को। इसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की कुर्बानी हो जाती है। जैसे साइमन कमीशन जब आता है तो इसके विरोध में कई जगह प्रदर्शन होते हैं, इसके विरोध में हड़ताल होता है। तो जब लाहौर के अंदर में लाला लाजपत राय के द्वारा में एक पूरा प्रदर्शन विरोध किया जा रहा था, तो उसके दौरान में वहाँ पर लाठीचार्ज किया जाता है। पीछे की मैंने वीडियोस में पूछा भी था कि लाला लाजपत राय जी की मृत्यु कब हुई और कहाँ पर हुई, किस कारण से हुई, तो बहुत सारे लोगों ने, स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था। तो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु जो होती है लाहौर में होती है लाठीचार्ज के कारण से। और इनकी मृत्यु के बाद ना
इनका जो मृत्यु का महत्व होता है और ज्यादा बढ़ जाता है, देर के अंदर में क्रांतिकारी गतिविधियां और बढ़ जाती है, और इनकी मृत्यु का बदला लेने का मन बना लिया जाता है कि हम बदला लेंगे, और जो ऑफिसर जिम्मेदार था जिसके कारण से मृत्यु हुई, जिसने ऑर्डर दिया था, उसको यहाँ पे मार भी दिया जाता है। ठीक है, 1929 के अंदर में पूर्ण स्वराज की मांग रखी जाती है, जिसके उत्तेजित परिणाम देखने के लिए मिलता है, अलग अलग कंडीशन हमें भारत के अंदर में देखने के लिए मिलती है, और साइमन कमीशन की जो सिफारिश थी ना उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी साइमन कमीशन के द्वारा में एक राजनीतिक उत्तेजना पैदा करी गई कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ऐसा होने वाला है, ये चीज ऐसा होने वाला है। जिस तरीके से एक पुराना माहौल बनाया गया ना, वो चीज उस तरीके की रियलिटी में नहीं था, ये चीजें लोगों को समझ में आई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, बट यहाँ पे मैं सभी व्यूवर्स है, जो भी हमारे दैनम के व्यूवर्स हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी है तो पीछे की वीडियोस जरूर जाकर देखें, क्योंकि अगर आप पीछे की वीडियोस नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लाला लाजपत राय के बारे में मैंने पीछे डिटेल में बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। स्वराज पार्टी के बारे में मैंने डिटेल में पीछे वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द वीडियो भी मैं पूछूंगा कि स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया, देखते हैं कितने स्टूडेंट को पता है कि स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया और किसके द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट ये भी करने वाला हूँ सभी स्टूडेंट से कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को द इनब और नव इन्फो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारा जो अभी चैनल के सब्सक्राइबर है 60,000 हो चुका है, जल्दी से जल्दी इसको 1 लाख के करीब में पहुँचाएं, जिससे हम और भी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करें और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आएँ। और यहाँ पर मैं वीडियो एंड करूँगा, अगर आपको एमए हिस्ट्री का नोट चाहिए तो डायरेक्टली गूगल ब्लॉगर पर जाकर ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर में आपको गूगल ब्लॉगर का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।